मेरे साथ बोलिए भारत माता की। क्यों भाई, कृष्णनगर वालों की आवाज को क्या हो रहा है? अरे ममता दीदी आसपास नहीं घूम रही है, उस तक आवाज जानी चाहिए। कृष्णनगर में आज उनको उखाड़ने के लिए भाजपा वाले इकट्ठा हुए हैं। मेरे साथ दोनों हाथ उठाइए, सभी लोग पीछे भी दिल्ली लोग सब उठाए। बंगाल में परिवर्तन की मुट्ठी बीजिए और प्रचंड आवाज से बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। मंच पर उपस्थित ममता दीदी की जिन्होंने निंद हराम कर दी है, ऐसे हमारे बंगाल के प्रभारी और मेरे मित्र भाई कैलाश विजयवर्गीय जी, पश्चिम बंगाल के महामंत्री श्रीमान संजय सिंह जी, हमारे लोकप्रिय प्रत्याशी फुटबॉल खिलाड़ी फुटबॉल के कप्तान और साहित्यकार श्रीमान कल्याण चौबे जी, हमारे कृष्णगंज विधानसभा उपचुनाव के प्रत्याशी आशीष कुमार, आ गया हो आशीष भाई, अरे सबके सामने आओ, आशीष कुमार विश्वास जी, श्री सत्यभक्त दत्त जी, श्री सुशील बर्मन जी, श्री मनोज विश्वास जी, श्री महादेव सरकार जी, श्री अनिल विश्वास जी, प्राण बंधु विश्वास जी, श्रीमती राधा रानी पाल जी, श्री नीलय शाह जी, श्री बापी सिंह राय जी, श्री आशुतोष पाल जी, श्री मुकुटमणि अधिकारी जी, और आज ये चिलचिलाती धूप में खुले मैदान के अंदर हजारों हजारों की संख्या में आए हुए प्यारे भाइयों बहनों माताओं और मेरे जिगर के टुकड़े जैसे युवा मित्र, मित्र कृष्णनगर की पवित्र भूमि पर सबसे पहले पुलवामा हमले के अंदर शहीद हुए कृष्णनगर के भूमि पुत्र सुदीप विश्वास की स्मृति को मैं प्रणाम कर मेरी बात को शुरू कर रहा था। मित्रों, हमने यहां पर एक बहुत अच्छा प्रत्याशी दिया है, कल्याण चौबे, महान फुटबॉल खेलर भी तो है ही, साथ में साहित्यकार लेखक भी है। कल्याण चौबे के आने से ममता दी की नींद उड़ गई है, नींद। मित्रों, आज हमारे पास साथ सत्यव्रत मुखर्जी भी आ नहीं पाए हैं, मगर सत्यव्रत दा सालों तक इस क्षेत्र के अंदर भारतीय जनता पार्टी को बढ़ाते रहे। मैं सत्यव्रत दा को भी प्रणाम कर हमारे कल्याण के लिए आशीर्वाद की मांग करता हूं। मित्रों, नवमी पूजनीय चैतन्य महाप्रभु की जन्मभूमि, इसी भूमि पर इसी भागीरथी नदी के पश्चिम किनारे पर चैतन्य महाप्रभु ने एक भक्ति का आंदोलन पूरे बंगाल के अंदर खड़ा किया था, जो आज तक बंगाल को प्रतिष्ठा देश भर में मिला। अनेक मंदिरों का उन्होंने निर्माण किया, अनेक मंदिरों की दीवारों को कृष्ण भक्ति के चित्रों से सजाने का काम चैतन्य महाप्रभु ने। मित्रों, यहां पर
पूरा वैदिक केंद्र, वैदिक शिक्षा का केंद्र रहा है। 9वीं सदी में शांतिपुर के मंदिरों में श्यामचंद्र मंदिर, जलेश्वर और अद्वैत प्रभु के मंदिर भी ये पूरे क्षेत्र को जान देते हैं। और मित्रों, यहीं पर प्लासी की लड़ाई हुई थी, जिसमें नवाब सिराजुद्दौला को दगा कर अंग्रेजों ने हराया। मित्रों, आने वाला चुनाव भी प्लासी की लड़ाई से कम नहीं है। ये प्लासी की लड़ाई जैसा ही चुनाव है। ये चुनाव तय करने वाला है कि बंगाल के अंदर बंगाल की संस्कृति रहेगी या ममता बनर्जी उसको नष्ट करेगी। ये चुनाव तय करने वाला है कि आप लोगों को बंगाल के अंदर लोकल बॉडीज के पंचायत के चुनाव की तरह वोट दिया जाएगा या नहीं दिया जाएगा, लोकतंत्र बचेगा या नहीं बचेगा। मित्रों, भारतीय जनता पार्टी ममता बनर्जी के संतरास के खिलाफ चुनाव लड़ रहा है। देश भर में ये 250वीं लोकसभा है जहां पर मैं 4 महीने के अंदर आया हूं। 250वीं लोकसभा देश भर में घूमता घूमता मैं आया हूं। पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण सब जगह घुमा। जहां पर भी गया एक ही नारा सुनाई पड़ता है, मोदी 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 मोदी। मित्रों, एक उत्तर अगर ऐसी सवाल नहीं है, देश भर में मोदी मोदी का नारा सुनाई पड़ता है। ये मोदी मोदी का नारा जो सुनाई पड़ता है ना, वो बताता है कि देश ने तय किया है कि देश का अगला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बनने वाले हैं। नरेंद्र मोदी, और यह कारण नहीं हुआ है। नरेंद्र मोदी जी ने प्रधानमंत्री बनने के बाद देश की सुरक्षा को सुनिश्चित करने का काम किया है। मित्रों, ये यूपीए की सरकार थी, ममता दी भी उसका प्रचिन्ह समर्थन करती थी। पाकिस्तान से आलिया, अमालिया, जमालिया घुस जाते थे, अपने सेना के जवानों के सर काट कर ले जाते थे, कोई नहीं बोलता। नरेंद्र मोदी जी ने प्रधानमंत्री बनने के बाद आतंकियों को सबक सिखाने की शुरुआत की है। मित्रों, सबक सिखाने की शुरुआत पुलवामा के अंदर हमला हुआ, हमारे 40 जवान शहीद हो गए। और 40 जवान शहीद होने के बाद पाकिस्तान ने सेना बॉर्डर पर खड़क दी, टैंक लगा दी, तोपे लगा दी। उनको लगा कि मोदी जी फिर से सर्जिकल स्ट्राइक न करे, मगर मोदी जी की भी 56 इंच की छाती है भैया, 56 इंच की। ये पाकिस्तान वालों ने टैंक लगा दी, तोपे लगा दी, सेना खड़क दी। मोदी जी ने जवानों की 13वीं के दिन वायुसेना को हुक्म किया, सेना पाकिस्तान की जमीन पर रह गई। हमारे लड़ाकू विमान, हमारे जांबाज सिपाही पाकिस्तान के घर में घुसकर बालाकोट पर हमला करकर आतंकवादियों के पुर्जे उड़ाकर वापिस आए। मुझे बताओ, कृष्णनगर वाले, मोदी जी ने अच्छा किया है या बुरा किया? जरा जोर से बोलो, अच्छा किया या बुरा किया? मगर उसकी ममता दी का मुंह देखने जैसा। हवाइयां उड़ गई थी, क्यों? ममता दी चचेरे मसेरे भाई लगते हैं टेररिस्ट आते हैं। आपका जी क्यों कर रहा है? ए राहुल बाबा इन कंपनी पूरी, ए कम्युनिस्ट, कांग्रेस, ममता सभी कह रहे हैं पाकिस्तान पर बम मत गिराइए, आतंकवादियों पे बम मत गिराइए, उनको मत मारिए, उनसे बातचीत करिए। मुझे बताओ कृष्णा नगर वालों, हमारे 40 जवानों को मार दे उसके साथ बातचीत करनी चाहिए या बम गिराना चाहिए?
जोर से बोलिए क्या करें। ममता दीदी आपको टेररिस्टों के साथ इलू इलू करना है तो करिए, ये तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, नरेंद्र मोदी की सरकार है। पाकिस्तान से गोली आएगी, यहां से गोला जाएगा, इनका जवाब पत्थर से दिया जाएगा। ये हमारा संकल्प भारत की सुरक्षा के साथ वोट बैंक के लिए कोई समझौता नहीं। मित्रों, नरेंद्र मोदी सरकार बनने के बाद नरेंद्र मोदी सरकार ने देश की सुरक्षा को तो सुनिश्चित किया ही है, किया है, मगर साथ ही साथ देश के गरीबों के कल्याण के लिए भी ढेर सारे काम। ममता जी को मैं पूछना चाहता हूं, बंगाल के गरीबों के लिए आपने क्या किया? आप मुझे पूछ रही थी कि नरेंद्र मोदी सरकार ने क्या किया, मुझे आपको जवाब देने की जरूरत नहीं है ममता जी, मगर कृष्णनगर की जो जनता है ना, वो हमारी माई बाप है, माई बाप है भैया, माई बाप। मैं कृष्णनगर की जनता को जवाब देने आया हूं, कृष्णनगर की जनता को हिसाब देने आया हूं। नरेंद्र मोदी सरकार ने जो काम किए हैं उसकी पल पर और पाई पाई का हिसाब दिया। मित्रों देना चाहिए ना, जरा बताओ देना चाहिए ना। मित्रों नरेंद्र मोदी सरकार ने 5 साल के अंदर देश की 6 करोड़ गरीब महिलाओं को गैस का चूल्हा फ्री ऑफ कॉस्ट देने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी सरकार ने, 2.5 करोड़ गरीबों को घर देने का काम ये नरेंद्र मोदी सरकार ने, 2.35 करोड़ लोगों को घर में बिजली देने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी सरकार ने किया है, 8 करोड़ घरों में शौचालय बनाने का काम नरेंद्र मोदी सरकार ने किया है, और मित्रों 50 करोड़ गरीबों को स्वास्थ्य का पूरा खर्चा 5 लाख तक का खर्चा उठाने का काम ये नरेंद्र मोदी सरकार ने किया है। कल तक 23 लाख गरीबों के ऑपरेशन ये प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत योजना। मित्रों ये हमारा हिसाब पूछती है, मैं हिसाब लेकर आया हूं, 133 योजनाएं नरेंद्र मोदी सरकार ने दलित के लिए, आदिवासी के लिए, गरीब के लिए, किसान के लिए, युवा के लिए, महिला के लिए, गांव के लिए, शहर के लिए लेकर आए। ममता दीदी ने हिसाब मांगा, बंगाल की जनता को सुनाई पड़े इसलिए मैं हिसाब देता हूं, समय जरा कम है, मैं पढ़ता हूं, आपको लगे मोदी सरकार ठीक से काम कर रही है, ताली बजाकर कृष्णनगर वालों रोक लेना, पढ़ू जोर से, पढ़ू क्या, ध्यान से सुनना। प्रधानमंत्री आवास योजना, सांसद आवास योजना, सुकन्या समृद्धि योजना, मुद्रा बैंक योजना, जीवन ज्योति योजना, सुरक्षा योजना, अटल पेंशन योजना, कृषि बाजार योजना, कृषि विकास योजना, अरे भैया अभी तो नौ ही हुए, ऐसी 133 योजनाएं ये भारतीय जनता पार्टी लेकर आई, मगर आप खुश मत हो ना बंगाल वालों, 133 योजनाओं को ममता दीदी आप तक पहुंचने नहीं दे रही है, क्योंकि इनके मन में डर है ये योजनाएं पहुंच गई तो मोदी जी यहां लोकप्रिय हो जाएंगे, लोकप्रिय। मित्रों प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत योजना भी नीचे नहीं पहुंचने दे रही है, मैं आपको बताता हूं कैसा हुआ है। एक बड़ा सा बिजली का कारखाना हो जो बिजली उत्पन्न करता हो, आपके गांव पर से हाई टेंशन लाइन से बिजली जाती हो, सीधी आपके घर में आएगी क्या? बिजली आएगी, ट्रांसफॉर्मर चाहिए ना, ट्रांसफॉर्मर। एक ट्रांसफॉर्मर को क्या कहते हैं बंगाली में? ट्रांसफॉर्मर ही बोलते हैं, ट्रांसफॉर्मर लगाना पड़ता है ना। अब ये ट्रांसफॉर्मर जल जाए तो क्या करते हैं? क्योंकि जल जाएगा तो विकास तो आएगा नहीं अब तक, तो ट्रांसफॉर्मर जल जाए तो क्या करते हैं बताओ भाई, जोर से बोलो क्या करते हैं, और जोर से बोलो क्या करते हैं।
कलकत्ता में पश्चिम बंगाल की ममता सरकार ट्रांसफॉर्मर जल गया है छोड़ा, मगर उसको बदलना नहीं है, बदलने की गलती मत करना, इसको उखाड़ कर मूल समेत फेंक देना है। ये तृणमूल सरकार को, ये विकास को बंगाल की जनता तक पहुंचने नहीं दे। मित्रों, ये बंगाल को तृणमूल के गुंडों का लूट का अड्डा बनाया। आपको सीमेंट खरीदनी, सिंडिकेट को टैक्स दो, सरिया खरीदना है सिंडिकेट को टैक्स दो, ईंटे खरीदनी है सिंडिकेट को टैक्स दो, मृत्यु का सर्टिफिकेट चाहिए उनके गुंडों को टैक्स दो, नौकरी चाहिए उनके गुंडे को टैक्स दो, मोदी जी ने भेजा हुआ टॉयलेट चाहिए उनके गुंडे को टैक्स दो, मकान चाहिए उनके गुंडे को टैक्स दो। ये टोलबाजी से, तृणमूल कांग्रेस की टोलबाजी से बंगाल की जनता परेशान है। गौ तस्करी, घुसपैठियों को आने देना। मित्रों, मुझे बताओ, कृष्णानगर वालों जरा बताओ, घुसपैठियों को रोकना चाहिए या नहीं रोकना? जोर से बोलो, ऐसे नहीं रुकेंगे। रोकना चाहिए या नहीं रोकना? जो आ गए हैं उनको निकालना चाहिए या नहीं निकालना चाहिए? जरा जोर से बोलो, निकालना चाहिए या नहीं? मगर दो क्रम समझ लो, उनको निकालेंगे जरूर, हम भाजपा वाले ही निकालेंगे, ममता भी नहीं निकालेगी, वो तो उनसे वोट मांग रही है, वोट वो क्या निकालेगी, हम निकालेंगे। मगर पहले क्रम समझ लो, पहले जो शरणार्थी आए पास के देश से, हिंदू, सिख, बौद्ध, क्रिश्चियन, जैन, जो शरणार्थी आए हैं वो हमारे भाइयों को हम नागरिकता देने का काम करेंगे, उनको यहां पर सम्मान देंगे। सिटीजनशिप अमेंडमेंट भी हम लेकर आए, ममता बनर्जी के सांसदों ने रोक लिया, डेरेक ने रोक लिया। मुझे बताओ, बांग्लादेश से जो हिंदू सिख क्रिश्चियन भाई आए हैं उनको नागरिकता देनी चाहिए, देनी चाहिए या नहीं देनी चाहिए? आप निश्चिंत हो जाइए, नरेंद्र मोदी सरकार बनाइए, सभी शरणार्थियों को नागरिकता देने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। और उसके बाद ये घुसपैठिए जो दीमक की तरह बंगाल को चाट रहे ना, दीमक की तरह चाट रहे, एक एक घुसपैठिए को चुन चुन कर निकालने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। ममता जी बता रही है कि घुसपैठिए को निकालेंगे तो हिंदू सिख क्रिश्चियन भाइयों को भी जाना पड़ेगा। सिटीजनशिप अमेंडमेंट भी स्पष्ट कहता है, कोई भी सिख, हिंदू, जैन, बौद्ध, क्रिश्चियन भाई बहन को जाना नहीं है, उनको नागरिकता देंगे और जो घुसपैठिए आए हैं उनको चुन चुन कर निकालेंगे, एनआरसी ना करेंगे। मुझे बताओ भाइयों बहनों, एक घुसपैठिए को निकालना है ना, जोर से वो निकालना है ना? ममता जी निकाल सकती है क्या? निकाल सकती है क्या? उसको एक ही व्यक्ति निकाल सकता है, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। मित्रों, ये बंगाल का विकास कांग्रेस, कम्युनिस्ट और तृणमूल कांग्रेस नहीं कर सकते। आपने उनको बहुत मौका दिया, बहुत मौका, एक मौका भाजपा को दे दीजिए, एक कांग्रेस, कम्युनिस्ट, तृणमूल कांग्रेस ने बंगाल को कंगाल बना दिया है, कंगाल, ये बंगाल को सोनार बांग्ला बनाने का काम हमारी भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी। मित्रों,
तृणमूल कांग्रेस जो ना तृणमूल कांग्रेस ये सिंडिकेट बम धमाके गुंडा राज ये टीएमसी का आज का लेटेस्ट मतलब क्या है मालूम है? टेरर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी यही टीएमसी। मित्रों ममता दी ने आप लोगों से मैंडेट मांगा था तीन एम की, मां माटी और मानुष। 7 साल के बाद हो गया है 3G हो गए, घुसपैठ गुंडाराज और घुसखोर। ये 3G पर ममता दी आज निर्भर है, इसको बदलना चाहिए नहीं बदलना चाहिए, बदलना चाहिए नहीं बदलना चाहिए। मित्रों मोदी जी ने बंगाल के विकास के लिए हजारों करोड़ रुपया खर्च किया, आगे पर भी करते रहेंगे। परंतु मैं आपको बताना चाहता हूं मित्रों, इस घोषणा पत्र के अंदर हम लेकर आए हैं, मोदी जी की सरकार बनती है तो सभी किसानों को, बड़े छोटे सभी किसानों को हर साल 6,000 रुपया देने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी सरकार की। हर किसान को 60 साल के बाद पेंशन देने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी सरकार करने वाली है। हर छोटे व्यापारी को 60 साल के बाद पेंशन देने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार करने वाली है। हर किसान को ब्याज मुक्त लोन, 0% ब्याज पर लोन देने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार। मित्रों हमने कहा है कि अगर हम चुन कर आते हैं तो ये धारा 370 को हम हटा देंगे। मुझे बताओ भाइयों, ये कश्मीर भारत का अभिन्न अंग रहना चाहिए या नहीं रहना चाहिए? जोर से वो रहना चाहिए या नहीं रहना चाहिए? धारा 370 और 35 से हटनी चाहिए या नहीं हटनी चाहिए? कांग्रेस और तृणमूल कहते हैं नहीं हटनी चाहिए। मैं ममता जी को आह्वान करता हूं, यहां आप समझ रहे एक दो दिन में आएगी आएगी, जहां जहां मैं जाता हूं पीछे पीछे ममता जी सभा करने के लिए आ जाती है। पूरे बंगाल में देखिए जहां जहां मैं जाता हूं पीछे पीछे ममता जी आ जाती है। ममता जी इस बार कोई फर्क नहीं पड़ेगा, न मैं आऊं न आप जाओ, बंगाल की जनता तय कर बैठी है आपको हटाना है आपको। मगर आए ममता जी आए तो उसको पूछेंगे कि कश्मीर के अंदर फारूक अब्दुल्ला अरे उमर अब्दुल्ला कहते हैं दूसरा प्रधानमंत्री होना चाहिए। एक देश में दो प्रधानमंत्री हो सकते हैं क्या? हो सकते हैं क्या? हो सकते हैं क्या? ममता जी को पूछना आप उनके साथ सहमत हो या नहीं हो, चुप हो जाती है, बोलती ही नहीं है, क्योंकि उनको है वो घुसपैठिए के वोट चले जाएंगे, वोट चले जाएंगे। अरे वोट का व्यापार हम नहीं करते हैं, भारत माँ के टुकड़े हम नहीं होने देंगे। मित्रों भारत माता के टुकड़े हमारा बंगाल चला जा रहा है, भारत माँ के टुकड़े अभी नहीं है। नरेंद्र मोदी जी एक बार चुन कर आ जाए पूरे भारत को एकजुट करने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी सरकार करे। मित्रों नरेंद्र मोदी सरकार ने बंगाल के अंदर नेशनल हाईवे के लिए 10,000 करोड़ दिया है, ग्रामीण सड़कों के लिए 1,200 करोड़ दिया है। लगभग दुर्गा पूजा को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज के लिए नरेंद्र मोदी सरकार ने रजिस्टर कराने के लिए सिफारिश की। मुझे बताओ ये बंगाल के अंदर दुर्गा पूजा होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? जोर से होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? सरस्वती पूजा होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? रामनवमी मनानी चाहिए या नहीं मनानी चाहिए? हमारे बंगाल की संस्कृति को ये ममता जी क्रश करना चाहते, दबाना चाहते। दुर्गा पूजा पर प्रतिबंध, रामनवमी पर प्रतिबंध, सरस्वती पूजा पर प्रतिबंध। अरे दुर्गा पूजा बंगाल में नहीं होगी तो क्या पाकिस्तान में होगी? मित्रों आप चिंता मत करो, नरेंद्र मोदी जी को चुनकर ला दो
ममता जी कुछ नहीं कर पाएगी, कुछ नहीं कर पाएगी। यहाँ हमारी संस्कृति के सारे त्योहार अमन चैन के साथ मनाने के लिए बंगाल को हम स्वतंत्र कर, ये बंगाल की संस्कृति को बम के धमाकों में, गुंडों की गोलियों की आवाज में दबाने का काम ये ममता बनर्जी ने किया। ये बंगाल में चैतन्य महाप्रभु का कीर्तन सुनाई पड़ता था, रविंद्र संगीत सुनाई पड़ता था, बंकिम बाबू की कविताएं गाती जाती थी, वो बंगाल में आज बम धमाके हो रहे हैं। बम धमाकों की फैक्ट्री चिटफंड के माध्यम से गरीबों का हजारों हजारों करोड़ रुपया ये ममता जी खा गई है मित्रों, उसकी पार्टी खा गई ममता जी के संरक्षण। आपको मैं एक बात कहूं, एक बार आप नरेंद्र मोदी सरकार बना दो, 100 ही दिन में चिटफंड घोटाला और सारा नारदा वालों को जेल के सलाखों के पीछे डालने का काम ये भारतीय जनता पार्टी। मित्रों मुझे बताओ, कृष्णानगर वालों बताओ, मोदी जी पूरे देश भर में विकास कर रहे हैं, बंगाल में भी विकास होना चाहिए। ये ममता जी है तब तक विकास संभव नहीं है, कम्युनिस्ट और कांग्रेस विकास कर नहीं सकते, केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी विकास कर सकती है। आप मुझे बताओ, कमल के निशान पर आप सब बटन दबाओगे? ऐसे नहीं बोलते, जोर से बोलो, मैं छेक दिल्ली से आया हूं, कमल के निशान पर बटन दबाएंगे क्या? भाजपा को जिताएंगे? मोदी सरकार बनाएंगे? हमारे कल्याण भाई को जिताओगे? मोदी सरकार में कमल भेजोगे? आतंकवाद को मुंह तोड़ जवाब दोगे? पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दोगे? शरणार्थियों को नागरिकता देने का रास्ता स्पष्ट करोगे? घुसपैठियों को निकालने का रास्ता स्पष्ट करोगे? तो मेरे साथ दोनों हाथ उठाइए, एक मुट्ठी नीचे, मुट्ठी नीचे, मैं बोलूंगा फिर एक बार, आप बोलोगे? मेरे साथ बोले फिर एक बार, फिर एक बार।